डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड स्मैशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बड़े बेसिक पॉइंट से, आपको विद एग्जांपल सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर करवाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, SRS इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड। मतलब हम जिस सॉफ्टवेयर को, जिस सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं, उसके पूरे डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है, SRS डॉक्यूमेंट। और ये जनरली हम कब बनाते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज में। मतलब डिजाइनिंग पार्ट में जाने से पहले, सॉफ्टवेयर के डिजाइनिंग टेक्निकल पार्ट में जाने से पहले हमें इसको डिजाइन करना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे बेसिक पर्पस यही है कि जब एक सॉफ्टवेयर बनता है, हम ये नहीं सोच रहे कि छोटा सॉफ्टवेयर है या बड़ा सॉफ्टवेयर है, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यार जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जो भी सिस्टम बना रहे हो, उसके साथ बहुत लोग जो है वो अटैच होते हैं। जैसे अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लेट्स से आप कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज के लिए सब, तो उसमें देखो कितने लोग अटैच्ड हैं। उसमें स्टूडेंट्स अटैच्ड हैं जो एज ए यूजर काम करेंगे, फैकल्टीज अटैच्ड हैं जो एज ए यूजर वहां पे हैं, वहां पे एडमिन का स्टाफ है, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, टीम्स अलग अलग काम कर रही हैं, तो सबको एक सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक तरह से सबको एक सेंट्रलाइज्ड इस तरीके से डॉक्यूमेंट चाहिए कि जहां पे सारी चीजें वेल डिफाइंड मेंशन हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें हमने सारी चीजें स्पेसिफाई कर दी। अब जो टेक्निकल टीम है वो भी इसको फॉलो कर रही है, जो यूजर्स हैं वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं, जो अलग अलग टीम्स काम कर रही है अलग अलग मॉड्यूल्स पे, सब लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, ताकि सब एक ही चीज पे काम करते रहे प्रॉपर वे से। तो ये सबसे बड़ा जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है। देन इट लेज आउट फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये काफी बार आता है एग्जाम में कि भैया ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताता है या सिर्फ नॉन फंक्शनल, तो भैया दोनों, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो भी बताएगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो भी बताएगा जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अभी होती क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। इट मे इंक्लूड अ सेट ऑफ यूज केसेस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आप लोग यूज केसेस भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग का पार्ट नहीं होगा, कोई एल्गोरिदम की बात नहीं होगी, कोडिंग की बात नहीं होगी। हाँ, यूज केसेस मतलब सिचुएशंस, कि जैसे लेट्स से स्टूडेंट है, स्टूडेंट का पासवर्ड जो है वो स्टूडेंट भूल गया, फॉरगॉट पासवर्ड करना है, अब उस केस में क्या होगा, क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेट्स से स्टूडेंट वांट टू डिस्कस द डाउट्स विद द फैकल्टी, तो कैसे डिस्कस करेगा, कौन सा फ्रेमवर्क वहां पे बना हुआ है, कौन सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ऐसे ही लेट्स से फैकल्टी वांट टू अप्लाई फॉर द लीव, अब वो कैसे अप्लाई करेगा, मतलब ये सारी सिचुएशंस भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो, और उन सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करोगे, तो एक काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम वे में आप उसको दिखा सकते हो कि इस तरीके का आइडिया है। देन अब इसमें आ जाता है कि मेन हमारे पास, तो सबसे पहले आ गया जी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में पर्पस, कि जो चीज आप बना रहे हो उसका पर्पस क्या है, भैया क्यों बना रहे हो उस चीज को, उससे आपकी इंटेंडेड ऑडियंस कौन कौन सी होगी। जैसे भाई यूनिवर्सिटी वाली बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो उससे अटैच होंगे, स्टूडेंट्स अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, फैकल्टीज जो है वो मार्क्स को अपलोड कर सकते हैं, अटेंडेंस को अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो ऑडियंस में आ जाती है। तो कौन कौन से लोग उसको यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, वो आ जाता है। देन स्कोप, मतलब फ्यूचर में क्या स्कोप है उस चीज का, कि ऑब्वियसली आप उसके थ्रू कोई ना कोई एडवांटेज जो है वो आप लेना चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि मेरा काम जो है, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, मेरा कॉलेज बहुत बड़ा है, तो उसमें सारा काम ऑटोमेट हो जाए, इन फ्यूचर मैं सब काम ऑटोमेट कर सकूं, तो स्कोप क्या होगा इस सॉफ्टवेयर का, फ्यूचर में क्या चीजें जो है वो हो जाएंगी। देन जो भी डेफिनेशंस उसके अंदर आती है, जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आती है। उसमें आता है प्रिंसिपल कौन है, डायरेक्टर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा यहां पे, तो अलग अलग जो डेफिनेशंस होंगी, अलग अलग चीजें जो है वो आपको वहां पे डिफाइन करनी पड़ेगी, ताकि जो भी उसको रीड करे तो उसको पता लग जाए कि ये एक्चुअल में चीजें हैं। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया HOD, अब नॉर्मल बंदे को पता है HOD मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, तो उनको वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे आ जाता है रेफरेंस। अब ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आपको आइडिया आ गया कि ऐसे बनाओ जो ऐसे बनाओ, नहीं, आप रेफरेंस लोगे ऑलरेडी उस टाइप का काम, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने, लेट से किसी बाहर की फॉरन की यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ बनाया हुआ है, तो आप वहां से रेफरेंस लोगे, ऑनलाइन मीडिया से रेफरेंस लोगे, ऑफलाइन मीडिया से रेफरेंस लोगे, तो वो आपको लेने पड़ेंगे, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मल
रिसर्च वर्क करते हैं ना, तो वहां पे भी ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं कि पहले क्या काम हो चुका है, कितनी रिसर्च पहले हो चुकी है, अब मैं क्या करने वाला हूं, कौन कौन सी ऑडियंस उससे इफेक्ट होगी और फ्यूचर में उसका क्या स्कोप होगा। देन ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, यूजर इंटरफेसेस। अब देखो बहुत सारे इंटरफेसेस इसके अंदर आएंगे। यूजर इंटरफेस मतलब कि जो यूजर जैसे स्टूडेंट है उसको क्या इंटरफेस दिखेगा, मतलब वो कैसे नेविगेट करेगा, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, क्या क्या पेजेस, क्या क्या चीजें उसको विजिबल होंगी, वो सारा जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे वो अटेंडेंस को चेक कर सकता है, अपडेट नहीं कर सकता, वो मार्क्स को चेक कर सकता है, अपडेट नहीं कर सकता, ये सारी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। बनाना नहीं है कुछ, सिर्फ मेंशन करना है। देन सिस्टम इंटरफेसेस। अब सिस्टम से रिलेटेड कि जैसे आपको सर्वर्स की जरूरत है, अपाचे सर्वर को आप यूज कर रहे हो तो वो चीज यहां पे मेंशन कर सकते हो। HTTP, HTTPS, जो भी हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स आगे, अजम्पशंस आगे, डिपेंडेंसीज, कंस्ट्रेंट, अजम्पशंस, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। मतलब कि लेट्स से अगर 3 बार पासवर्ड फेल हो गया तो यूजर को ये करना पड़े, या लेट्स से अगर स्टूडेंट की एज इतनी है तभी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत सारी अजम्पशंस, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हमें लगाने पड़ते हैं। कि जैसे पेटीएम है, उसने कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि आप एक दिन में इतनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और मैक्सिमम अमाउंट इतना ही होना चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो आप कह सकते हो। यूजर कैरेक्टरिस्टिक, भाई कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर कौन से होंगे, स्टूडेंट होंगे, फैकल्टी होंगे, HOD होंगे, वहां पे आपके प्रिंसिपल होगा, डायरेक्टर होगा, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स यहां पे आप बोल सकते हो। अब सिस्टम इंटरफेस के अलावा यहां पे हार्डवेयर इंटरफेस भी हो सकता है। हार्डवेयर मतलब कि जैसे मैं कोई एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं तो उसमें क्या मॉनिटर की जरूरत है, क्या उसमें माउस की जरूरत है, अगर है तो कैसे आप यूज करोगे, मॉनिटर है तो कैसे आप यूज करोगे, वो सारी चीजें यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगी, HTTP का यूज करोगे, HTTPS को यूज करोगे, वो सारी चीजें जो है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देन हमारे पास आ जाता है सिस्टम फीचर एंड रिक्वायरमेंट, जिसमें पहली चीज आती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल मतलब कि आपकी एप्लीकेशन, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें आपको यहां पे बतानी पड़ेंगी। कि जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी जरूरी है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद एक यूजर आईडी जनरेट होगी, पासवर्ड आपको फिल करना पड़ेगा, जब आपने वो फिल कर दिया आप होम पेज पे चले गए, होम पेज से आप लैंडिंग पेज पे चले गए, वहां से आप यहां चले गए, वो सारी चीजें आपको कैसे फंक्शनिंग होगी सारी वो आ जाती है। यूज केसेस ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिए। एक्सटर्नल इंटरफेसेस, कोई एक्सटर्नल इंटरफेसेस मतलब किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का टाइप आपको जरूरत है। लेट्स से आपके यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आप चाहते हो कि बच्चा फीस भी ऑनलाइन पे कर सके, तो उसके लिए आपको लेट्स से कोई PayPal का या PayTM का या किसी और थर्ड पार्टी का आपने इंटरफेस लिया है, वो सारी चीजें आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट, कौन सा डेटाबेस, MySQL यूज कर रहे हो, कौन सा, उसके अलावा अगर आप बिग डेटा का कोई यूज कर रहे हो, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। डेटा कहां पे सेव होगा, ये चीजें भी आप बता सकते हो। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसके अलावा यहां पे मेमोरी से रिलेटेड भी आपको बताना पड़ता है कि कितनी डिस्क आपको रिक्वायरमेंट है, कितना स्टोरेज आपको चाहिए, कितना रैम आपको चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज, वो सारी चीजें जो है वो आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो। फाइनली आ गया नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल मतलब फंक्शनल तो हो गया कि आपकी एप्लीकेशन काम कैसे करेगी, यूजर इधर से उधर कैसे जाएगा, होम पेज पे कैसे जाएगा, ये वो सारा जो फंक्शन, जो भी आप एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हो तो उसमें जो जो चीजें वो फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल मतलब कि आपकी सेफ्टी, कि क्या आपका डेटा उसमें सेफ है, सिक्योरिटी कि क्या वो एप्लीकेशन सिक्योर है, इसके अलावा अवेलेबिलिटी, लेट्स से कि क्या आपका डेटा हमेशा अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है कि आप वेबसाइट ओपन करो, ऐप ओपन करो, वो दिखा रहा है नो डेटा अवेलेबल, भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स इस तरह रिलेटेड आती हैं, ऐसी आपकी आगे पोर्टेबिलिटी, ऐसा तो नहीं कि एक प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो चल नहीं रही, तो पोर्टेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, आपका डेटा जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए, किसी और को डेटा ब्रीच हो जाता ना, तो ये सारी चीजें जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड आ जाती है, विच इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये सारी की सारी कहानी जो है इससे ज्यादा आपको कोई नहीं पूछेगा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये जब सारा कुछ आपने लिख दिया, जब ये सारा कुछ मेंशन कर दिया, तो फाइनली आप अप्रूवल के लिए भेज दो। अप्रूवल मतलब कि आपने तो सर्विस देनी है, जिसने सर्विस लेनी है, जो क्लाइंट है उसको आप भेजो, वो साइन करेगा, चेंजेस करवाने होंगे तो वो चेंजेस करवाएगा, जब वो एक टाइम पे राजी हो गया, वो रजामंद हो गया कि भैया डन है, तो फाइनली वो अपने साइन कर देगा, फिर आप आगे डिजाइनिंग पार्ट पे, फिर कोडिंग इंप्लीमेंटेशन उस पार्ट पे चले जाएंगे। थैंक यू।